साहब, भाई ये कोई हिंदी फिल्म नहीं है, कोई साउथ इंडियन फिल्म नहीं है, बल्कि ये एक फुल्ली कम्प्लीटली भोजपुरी फिल्म है। भोजपुरी सीना ठोक के गर्व करने का वक्त आ गया भाई साहब। बने रहो वीडियो में, लास्ट तक बातें करेंगे इसी फिल्म के बारे में जिसका नाम है अपहरण। यश कुमार की ये फिल्म है, उसके बारे में भी बहुत सारी बातें करेंगे भाई साहब। भोजपुरी इंडस्ट्री में बिना गाना गा करके यहाँ तक पहुँचना, ये कोई हलवा नहीं है भाई साहब, हलवा नहीं है, ये एक नॉन सिंगर एक्टर है। और नॉन सिंगर एक्टर हो करके भोजपुरी में यहाँ तक पहुँचना, आप खुद दिल पर हाथ रख कर सोचो कि भाई ने कितनी मेहनत की होगी यहाँ तक आने के लिए। हाँ जी, तो क्या हाल है? ठीक है दोस्तों, यश कुमार के एक फिल्म का टीजर आया है। यस, सही सुन रहे हैं आप, टीजर आया है। और भोजपुरी फिल्म का टीजर आना ही अपने आप में एक प्रमाण है कि फिल्म बड़ी होगी, अन्यथा ज्यादातर फिल्मों के टीजर नहीं आते, डायरेक्ट ट्रेलर आते हैं। बताया था ना मैंने पहले, गंदे वाला ट्रेलर। वही भोजपुरी फिल्म का टीजर आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बट उससे भी बड़ी बात यह है कि एक नॉन सिंगर एक्टर के फिल्म का टीजर आना, ये उससे भी बड़ी बात है। सोचो कितना स्ट्रगल करना पड़ा होगा यहाँ तक आने के लिए। यश कुमार के मेहनत का आलम ये है कि अभी कुछ दिन पहले ही लखनऊ में जो फिल्म फेयर अवार्ड हुआ था, उसमें इनकी फिल्म जानवर और इंसान को ब्लॉकबस्टर फिल्म होने का अवार्ड मिला था। और ये जो अवार्ड जानवर और इंसान को मिला है, ब्लॉकबस्टर फिल्म ऑफ द ईयर। सोचो, बंदा सिंगर नहीं है, बंदा लाइव आकर के इनको उनको गालियां भी नहीं देता, बंदा विवाद भी नहीं करता, किसी को उंगली भी नहीं करता, ना किसी की पत्नी गिनाता है और ना ही किसी को लौंडा बोलता है, बट फिर भी फिल्म का ब्लॉकबस्टर होना और उसके बाद एक इतनी बड़ी फिल्म का टीजर आना जिसका नाम है अपहरण। कोई तो टैलेंट जरूर है बंदे में, अन्यथा बिना गाना गा करके भोजपुरी में यहाँ तक पहुँचना इतना आसान तो नहीं है भाई साहब, टैलेंट तो है बंदे में। खैर, तो बात करते हैं अपहरण फिल्म के टीजर के बारे में। तो सबसे बड़ी बात इस टीजर में ये है कि ये सच में एक टीजर है। यस, क्योंकि टीजर को टीजर की तरह से काटा गया है, टीजर की ही तरह से इसको एडिट भी किया गया है, और टीजर के ही जैसा इसका लेंथ भी रखा गया है, 1 मिनट 10 सेकंड का। अब सच पूछे तो टीजर इतना ही बड़ा होता है, आजकल तो लोग 3-3 मिनट का टीजर रिलीज करने लग गए हैं। यहाँ पर एडिटर के लिए एक थम्स अप है भाई साहब, बंदे ने अच्छा काम किया है। दूसरी सबसे अच्छी बात यह है इस टीजर का कि ये टीजर देख करके ये लगता है कि यस, इस फिल्म में कहानी है, और वो भी एक तगड़ी कहानी है। इतने छोटे से टीजर में ये दर्शा देना कि मेरी फिल्म में कहानी है, दम है, ये भी अपने आप में एक कला है। बट हाँ, हम दर्शक हैं, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये एक सिर्फ टीजर है, और इस टीजर में ज्यादातर लव स्टोरी का एंगल नजर आ रहा है। तो डर इस बात का भी है कि कहीं ये पुरानी भोजपुरी फिल्मों की तरह गुप्पू चुप्पू वाली लव स्टोरी बन के ना रह जाए, इसका डर है। बट इसी टीजर में हीरोइन को हीरो द्वारा किडनैप करना, उसको थप्पड़ मारना, और हीरोइन के भागते हुए हीरो का उसका पीछा करना, ये भी दर्शाता है कि अगर ये एक लव स्टोरी भी हुई तो एक बिल्कुल ही अलग लेवल की होगी, वो 2 कौड़ी वाली लव स्टोरी तो ये पक्का नहीं है। अब तीसरी सबसे अच्छी बात यह है इस टीजर में कि कोई गाना नहीं ठूसा गया है जबरदस्ती, जो अक्सर भोजपुरी फिल्मों में किया जाता है, क्योंकि भोजपुरी में अक्सर पूरी फिल्म का दारोमदार गानों के ऊपर ही टिका हुआ होता है। और वैसे कहने वाले ये कहते भी हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो एक एल्बम इंडस्ट्री है, फिल्म तो यहाँ क्या ही बनती है, नौटंकी बनती है। बट इस टीजर में ऐसी कोई भी गंदी हरकत नहीं की गई है, जबरदस्ती का कोई गाना इसमें नहीं ठूसा गया है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि फिल्म में गाने नहीं होंगे, हो भी सकते हैं, बस टीजर में जबरदस्ती ठूसने की कोशिश नहीं की गई है, ये भी एक अच्छी बात है। अब बात करें एक्टिंग की, तो भाई 1 मिनट 10 सेकंड के टीजर में हम एक्टिंग की क्या ही बात कर लेंगे। बट हाँ, मेरे दिमाग में इतनी बातें जरूर घूम रही हैं कि यश कुमार जो है वो कोई सिंगर नहीं है, वो कोई एल्बम में पिछोड़ा भी नहीं लाता, तो उसके पास है क्या? इकलौती एक्टिंग, जिसके भरोसे वो यहाँ तक पहुँचा है, और यही इस बात का सबूत है कि इस फिल्म में भी एक्टिंग जबरदस्त होगी, क्योंकि ये एक नॉन सिंगर एक्टर है, मतलब इसके पास एक्टिंग के अलावा कुछ भी नहीं है, उसी एक्टिंग के बदौलत यहाँ तक पहुँचा है, तो एक्टिंग तो होगी ही। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि यश कुमार ने कभी गाने ही नहीं गाए हैं, ट्राई किया है बंदे ने, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके कई हजार, क्योंकि बंदे को पता है कि मैं जिस इंडस्ट्री में रहता हूँ यहाँ किस चीज की मांग है, किस चीज का बोलबाला है, दर्शक क्या देखती है,
दर्शक क्या सुनती है बंदे को भी पता है, इसीलिए बंदे ने ट्राई तो किया है गाना गाने का, बट वो मजबूरी में उठाया गया कदम है, क्योंकि हमारे जो भोजपुरी के दर्शक हैं उनको क्या पसंद आता है आपको पता ही है, पतिया नतिया पटना बा है ना, उस ढोनी चटवा वाले स्टार का भी अब एक फिल्म आ रहा है, वो भी स्टार बनेगा भाई। अभी एक और सिंगर है, क्या नाम है, हाँ दीपक दिलदार, उसकी भी एक फिल्म का ट्रेलर आया पता नहीं क्या दमादमाद करके इस टाइप का, पूरे 5 मिनट का ट्रेलर है भाई साहब, और ऊपर से हमारा काम कि हमें तो देखना ही पड़ेगा कि भाई कैसा है, तभी तो रिव्यू कर सकते हैं ना, लेकिन मैंने पूरा देखा, रिव्यू करने जैसा उसमें कुछ भी नहीं मिला, इसके लिए मैंने रिव्यू नहीं किया, क्योंकि इतना घटिया ट्रेलर है वो, 2 मेगापिक्सल का कैमरा ऑन करके पिक्सल फैला के आप उससे अच्छी वीडियो बना सकते हो, तो ऐसे ऐसे तो स्टार मिल रहे हैं आपको, तो इंडस्ट्री आसमान में जाएगी कि गर्ग में जाएगी, इंडस्ट्री सबको बचानी है लेकिन टैलेंट को किसी को सपोर्ट नहीं करना है। बस एक अश्लील सा गाना गा दिया, 8-10 चैनलों पे उसकी चर्चा हो गई, हो गया ब्लॉकबस्टर हिट, हो गया स्टार बन गया, हो दूसरे दिन उसकी फिल्म आने लग जा रही है, ऐसे इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी? टैलेंट ढूंढो, टैलेंट उसमें भविष्य ढूंढोगे ना तब इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, ढोड़ी में भविष्य ढूंढने से इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ेगी। बाकी जब आप यूपी बिहार से बाहर जाएंगे तो उन ढोड़ी चटकों का गाना सुना सुना करके आपको आपकी आरती उतारी जाएगी है ना, आप पे फूल बरसाए जाएंगे वो अलग से। खैर तो अब हम आते हैं यश कुमार की फिल्म अपहरण के टीजर पर, तो क्या इस टीजर में सब कुछ अच्छा अच्छा है? तो नहीं। क्या बात कर रहे हैं? सबसे पहली अच्छी बात जो नहीं है इस टीजर में वो ये है कि इस टीजर के टाइटल में एक जगह पे लिखा हुआ है न्यू भोजपुरी मूवी 2023, वहीं पर इस टीजर में एक टैग भी लगाया गया है भोजपुरी फिल्म, तो ये टाइटल और टैग देख करके तो यही लगता है ये एक भोजपुरी फिल्म है, बट 1 मिनट 10 सेकंड के पूरे टीजर में सिर्फ 6 वर्ड बोले गए हैं, पहला हेलो, दूसरा कौन, तीसरा अमर, चौथा आई, पांचवा लव, छठवा यू। हेलो कौन? अमर, आई लव यू। ये 6 वर्ड पूरे टीजर में बोले गए हैं, जिसमें से सिर्फ 1 वर्ड हिंदी का है, बाकी के 5 वर्ड अंग्रेजी के। भोजपुरी कहाँ है? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। मतलब भोजपुरी फिल्म का टीजर हो और उसमें से भोजपुरी ही गायब, तो इस पर आपको थोड़ा विचार करना चाहिए। खैर उम्मीद है कि ट्रेलर में ये गलती नहीं होगी, मैं मानता हूँ फिल्म में बहुत सारी भाषाएं होती हैं, बट इसके साथ 1-2 वर्ड आप और भी एडजस्ट कर सकते थे कहीं पर भी टीजर में जो भोजपुरी में हो, जिससे लगे कि हाँ भाई भोजपुरी फिल्म का टीजर है। खैर दूसरी बात जो इस टीजर में अच्छी नहीं है वो है ये, एक फाइट मारने पर आदमी का पूरा मुंह पिलपिले आटे जैसे मूव कर रहा है। हाँ ठीक है, मानता हूँ कि आज के 8-10 साल पहले की फिल्मों में ऐसे सीन बहुत सारे होते थे, बट आज के समय पर इसको क्रिंज कंटेंट कहा जाता है। ठीक है, तो आप नॉर्मली घुसा भी मार सकते थे, कोशिश ये करनी चाहिए कि जो सीन दिखे वो रियल लगे, किसी को भी मारने पर किसी का चेहरा ऐसे तो नहीं बनता है, बायोलॉजी की किसी भी किताब में ये नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तीसरी बात जो इस ट्रेलर में अच्छी नहीं लग रही है वो ये कि जब यश कुमार की खोपड़ी पर कोई डंडा मारता है तो यश कुमार के गिरने का जो तरीका है वो बेहद ही नकली लग रहा है। डंडा मारने पर आदमी किस तरह से गिरता है उस पर थोड़ी स्टडी और करनी चाहिए आप लोगों को। बाकी फाइट सीन में और भी छोटी छोटी कमी है, बट वो एक मसाला के तौर पर चल सकता है, क्योंकि अगर एक्शन में लॉजिक ढूंढने बैठेंगे तो भाई कहीं पर भी लॉजिक नहीं मिलेगा। एक आदमी 25 आदमी को मुक्के से तो पेल नहीं सकता है, फिर भी दिखाया जाता है ना, तो एक्शन में तो कम से कम लॉजिक नहीं ढूंढना चाहिए, तो मैं भी नहीं ढूंढ रहा हूँ। बाकी सब कुछ टीजर में परफेक्ट है। ट्रेलर के समय पर ये याद रखना कि ट्रेलर छोटा ही रिलीज करना, लास्ट 2.5 से 3 मिनट तक का हो, उससे 1 सेकंड भी बड़ा ना हो, और कोशिश ये भी करना कि उसी 3 मिनट में छोटे छोटे बहुत सारे सीन दिखाए जाएं। और अगर फिल्म में गाना है तो मैं कहूंगा कि ट्रेलर में कम ही यूज करना तो बेटर होगा। बाकी फिर भी वो आपका फील्ड है तो मुझसे तो ज्यादा ही पता होगा आप लोगों को। उम्मीद है कि आप इससे बेटर ट्रेलर रिलीज करेंगे, और उम्मीद ये भी है कि फिल्म उससे भी बेटर होगी जो कि बॉक्स ऑफिस पर छप्पड़ फाड़ देगी। मेरी शुभकामना है, इसी तरह से आगे बढ़ते रहो, अच्छी अच्छी फिल्में देते रहो, अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहो, हम भी इसी तरह वीडियो बनाते रहेंगे। बट वो 90 के जमाने की जो लव स्टोरी है ऐसी फिल्म लेकर आओगे ना
मेरा मरमंड सटक जाता है, ठीक है। बाकी टीजर अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो जिन्होंने भी अभी तक ये टीजर नहीं देखा है तो भैया कैप्टन वॉच हिट्स नाम के यूट्यूब चैनल पर ये टीजर पड़ा हुआ है, आप भी जाओ देखो। अच्छी चीज है, अच्छा कंटेंट है, सपोर्ट करो, शेयर करो, ज्यादा लोगों तक फैलाओ कि भाई हमारी भोजपुरी में भी अच्छी फिल्में आ रही हैं। ऐसी चीजों को सपोर्ट करना पड़ेगा तभी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। हालांकि मैं भी 2-3 दिन लेट हूं क्योंकि मैं कहीं बाहर गया था, मैं था नहीं। हाँ एक चीज और बताना बाकी रह गया कि अजय श्रीवास्तव ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, यश कुमार और प्रियंका रेवड़ी इस फिल्म के मुख्य रोल में हैं। बाकी टीम के बारे में हम ट्रेलर के समय पर बात करेंगे कि किन्होंने क्या किया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, और पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक भी कर सकते हो। बाकी अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, कोई बात बात करनी है तो आ जाओ, मैसेज करो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।